रिस्पॉन्स देख सकते हेलो राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। ये जो बाइक आप देख रहे हो गुरिल्ला है 450 सीसी। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं मिड वेरिएंट है, वेरिएंट में कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे इंजन परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कलर वगैरह का सिर्फ डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बेस है या मिड है, फिर टॉप है तो उसमें इंजन का प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका इंजन सेम ही है, सबका BHP, सबका टर्क सेम ही है। और ये जो बाइक आप देख रहे हो ना, इसको हम टेस्ट पे ले गए थे और इसका क्या रिस्पॉन्स है भाई, मैं बताता हूँ। इसका सस्पेंशन वर्क जो कर रहा है ना, कमाल का कर रहा है। आप वीडियो में देखोगे इतना ज़बरदस्त इसका वर्क कर रहा है सस्पेंशन। हम लोग गड्ढा गुड्ढी हर जगह चलाए, पत्थर वाला रोड पे भी चलाए। उसके अलावा इसका टायर वगैरह पे बात कर ले, जैसे टायर दोनों साइड आप देख रहे हो वाइड है, तो उसका सच में काम किया गया भाई। रॉयल एनफील्ड जो टायर आपको दे रहा है बहुत वाइड दिया गया है, तो काम कर रहा है। वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे उस वीडियो में, आप देखिएगा। जब इसका ब्रेक ले रहे थे, राउंड मारे हैं, उस पर क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है आपको, सब कुछ देखने को मिलेगा। उस पर ड्यूअल चैनल ABS है, तो हम जब ब्रेक 104, 110, 104 पे ब्रेक डाले थे 3 के गियर में, तो वहाँ पे क्या इसका ब्रेक का रिस्पॉन्स है वो भी चीज़ वहाँ पे देखिए। जो अच्छा खासा दोनों ब्रेक डाले, तुरंत रिस्पॉन्स किया, तुरंत गाड़ी रुक गया। उसका मतलब ये हुआ ना कि ड्यूअल चैनल ABS जो दे रहा है, 310 mm का फ्रंट, 270 का रियर, और बाइबर का जो क्लेपर का जो इसका मिक्सचर आपको दे रहा है, जो ज़बरदस्त है भाई, हैट्स ऑफ रॉयल एनफील्ड। उसके अलावा अगर बात कर लिया जाए सीटिंग पोजीशन, तो सीटिंग पोजीशन जो है आपको खतरनाक रहने लगा। पिलियन का है तो भाई थोड़ा सा इश्यू था, जब हमें थ्रॉटल ले रहा था ना, तो झटका जो आप जानते हैं बुलेट का बाइक है, झटका तो देगा, तो ये झटका आपको दे रहा था, झटका दे रहा था, तो फिर आपको एक एडिशनल सीट लगाना पड़ेगा, या तो फिर पिलियन जो है आपको हमेशा पकड़ के रखेगा, वो ऐसा कंडीशन रहना पड़ेगा, नहीं तो एडिशनल सीट लगाओ फिर भले भले इस बाइक के साथ उड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और इसका साउंड, मैं जब इसके साउंड का टेस्ट किया भाई, जब थ्रॉटल ले रहा था ना, जब 180 जब जा रहा था 3 के गियर में 2 के गियर में, तो फिर इसका आवाज़ सुनने था जो पीछे वाला था, सब लगता था भाई कौन सा गाड़ी गया, तो गुरिल्ला गया भाई। इसका साउंड भी ज़बरदस्त है, सेटिंग पोजन सब कुछ है। तो आप ये वीडियो देखिए और पूरा आप लोगों के लिए टेस्ट लिए थे इस बाइक के साथ कि क्या है क्या नहीं। और हीटिंग की बात किया जाए तो गाड़ी है गर्म है, जो जिस स्पीड से चलाए और बाइक आपको 10-15 मिनट चलाएं लोग, उससे ऊपर मतलब समझिए 20-25 मिनट बाइक चलाने के बाद हीटिंग की बात किया जाए, थोड़ा बहुत हीटिंग है, क्योंकि इसका इंजन आप जानते हैं 450 cc का इंजन आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें आपको हीटिंग जरूर मिलेगा। इसका टेस्ट कर रहे हैं कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं गुरिल्ला 450 चला रहे हैं, और इसका स्पीड का बात किया जाए तो बहुत तगड़ा स्पीड इसमें दिया गया है, और जो इसका BHP और टर्क का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो आपको अच्छा खासा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ना लेग का टेंशन है ना कुछ। यहाँ तक आप सिटी में भी ड्राइव करते हैं, वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा से अच्छा आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे, तो वो चीज़ कर रहा है। और बहुत जल्दी इसका थ्रॉटल का रिस्पॉन्स हम आपको एक बार दिखा दें, इसका झटका यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है। जो आपका थोड़ा सा थ्रॉटल लीजिए, इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है ख़तरनाक आ रहा है, इसका कुछ ऐसा था। और यहाँ के इसका स्पीडोमीटर पर आप देख रहे हो, तो जो ये आपका सर्किल वाला दिखा रहा है ना, जो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखा रहा है, अभी क्या हम लोग धूप में चला रहे हैं, तो इस हिसाब से इसका टेम्परेचर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ आपका रियल टाइम शो कर रहा है कि कितना टाइम हो रहा है, तो इस हिसाब से इसका देखा जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर आपका फ्यूल गैस देखने को मिलता है, और ये गाड़ी अभी 3 के गियर में चल रहा है, वो भी यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल रहा है कि कितना गाड़ी पर आप चला रहे हो। और टोटल गाड़ी के स्पीडोमीटर पर बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर आपको 83 किलोमीटर चल चुका है, वो चीज़ आपको दिखा रहा है। और मिरर का बात किया जाए, जैसे साइड मिरर, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स है ना, और पूरा लुक दिख जाएगा कि पीछे क्या है क्या नहीं इसका है। और थ्रॉटल का रिस्पॉन्स हम आपको बता दिए, देख सकते हैं, और अच्छा खासा साउंड भी क्रिएट कर रहा है चलाते समय, फन लगेगा आपको चलाते समय। और सिटी वगैरह जब आप चलाते हैं ना, तो वहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस का पता चल रहा है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम किया है, जो आप सीट पर 5.3, 5.4 है या 5.5 इंच के भी बंदे हैं ना, तो फिर आपको चलाने में आपका कोई इशू नहीं होने वाला, इतना अच्छा खासा इसका सारा चीज़ एक से एक मैनेज करके दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा टूटा हुआ रास्ता आपको दिख भी रहा होगा। रियर प्रोफाइल देख ले इस बाइक का, जो आप टेल लाइट और इंडिकेटर एक ही कनेक्शन में है, और ये जो आप दिखा दीजिए वो वाला रास्ता, ये वाला पे हम आपको ग्राउंड क्लियरेंस के लिए लाए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं 169 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो यहाँ पर वर्क भी कर रहा होगा, यहाँ पर सटने का भी टेंशन नहीं है,
और इतना टूटा हुआ रास्ता तो हमको नहीं लगता कि कहीं आजकल अपना बिहार में है कि उतना इसका टेंशन आपको लेना पड़े। हर जगह बिहार का रास्ता सुधर भी गया, और जो ये वाला स्पेशल दिखाइए इसमें हम लोग चेक कर रहे थे बार बार कि सट रहा है कि नहीं सट रहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सट नहीं रहा है। इस हिसाब से सोच सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त दिया गया है। बाकी का टोटल वोटल सब रिस्पॉन्स हम आपको दिखा दिए और टेल लाइट ब्रेक वगैरह सब देख ही लिए, और रिस्पॉन्स देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला इस बाइक के साथ जो मस्त है। एक बार टोटल दीजिए और ज़बरदस्त इसका ब्रेक और परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी क्या है कि इसको हम दो के गियर में चला रहे हैं और दो के गियर में घिसते हैं क्या तक रिस्पॉन्स देता है, देखिए इसके स्पीड तो 80 आराम से टच कर देगा दो के गियर में, अच्छा खासा खींच रहा है भाई। इसका जो रिस्पॉन्स और टर्क का जो कॉम्बिनेशन दे रहा है ना, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स और टर्क जो दे रहा है, तो हम बताया किए हैं कि इसका जो इनिशियल स्पीड है बहुत तगड़ा रहने वाला था। आप देख सकते हैं दो के गियर में 80 प्लस जा रहा है और थर्ड के गियर में लगाइएगा फिर 100 प्लस आराम से जाने वाला है, जो हम आपको दिखा दें देख लीजिए। अभी क्या है कि हम लोग उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं, बट तीन के गियर में 100 आराम से चला जाएगा, कोई इशू नहीं है इस गाड़ी के साथ। और जो जब चलाइएगा ना, जब 100 प्लस जब इसका गाड़ी जाएगा तो इसका साउंड आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक इसका साउंड आपको मिल रहा है। और जो ग्रिप और रिप के बाद किया जाए या टूटा फूटा रोड आ रहा है वहाँ पे इसका टायर ग्रिप के बाद किया जाए, जो आपको फ्रंट और रियर का जो टायर सेक्शन मिल रहा है 120 फ्रंट का, 160 जो रियर का, वो सच में बहुत कंफर्टेबल ग्रिप देने वाला है, जो आपको मज़ा आएगा इस बाइक के साथ। और जो सस्पेंशन है वो आपको दिखा दें, ये टूटी हुई रास्ता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मूथ आपको काम करेगा इसका सस्पेंशन। और पिलियन का भी बात किया जाए तो मेरे साथ पिलियन हैं बैठे हुए हैं, उनके लिए भी हम बात किया जाए तो बैठ रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जब आप वहीं खींचिएगा बाइक ना तो फिर झटका देता है, जो बुलेट का बाइक है वो पीछे की तरफ झटका देता है, तो उस हिसाब से बोला जाए पिलियन के लिए तो एडिशनल सीट लगवा ही लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पटना से, तो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बट ये वीडियो बनाने का कुछ नीचे से बना रहे हैं, टूटा हुआ रोड पर बना रहे हैं कि आप ऑफ रोडिंग करते समय या आप गाँव साइड में भी ये बाइक लेना परचेज करते हैं तो फिर आपके लिए क्या रिस्पॉन्स रहेगा। कभी 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 देख रहा हूँ रोड पे, यहाँ पे आपको छोटी छोटी पत्थर वाली तो रोड मिल रही है, बट उस पर भी ये ग्रिप हो ब्रेक हो, होता है ना कि ड्यूअल चैनल ABS इसमें दिया गया है, और फ्रंट आपको पता है 310 mm का दिया गया है, रियर इसका 270 mm का डिस्क पैनल दिया गया है, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है। तो ब्रेक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स करता है और गड्ढा गुड्ढी हो हर जगह ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स करता है। इसे हम आपको ब्रेक दबा दें तो दोनों एक साथ ब्रेक डालिएगा, फिर कोई इशू नहीं है इसके ब्रेक के साथ, इतना अच्छा खासा इसका रिस्पॉन्स रहता है। और ये कुछ रेत वाली हो गई या कुछ ये टूटी फूटी रास्ता है, या भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख लीजिए, यहाँ भी आपका ये बाइक नहीं सटेगा। और यही सब था इस बाइक का कहानी, बोल रहा था लोग बनाने का। इसका साउंड सुन सकते थे कितना ज़बरदस्त आ रहा है, और ये यहाँ देखिए ऊपर भी चढ़ा रहे हैं लोग, एक एक गियर डाल दो भाई कहीं भी चढ़ाना है चढ़ जाएगा, कहीं भी चढ़ा लो, ऐसा है इस बाइक का कहानी है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आपको ऐसा पोजीशनिंग देखने का मिले कि आप हिल क्लिम पे चढ़ा रहे हो वहाँ पे आप पावर लेक करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका टर्क का कहानी बहुत ज़बरदस्त दिया गया है। और माइलेज के बाद किया जाए कि इसका माइलेज आपको क्या मिलेगा, तो आप अगर पूरा इसका परफॉर्मेंस में चलाते हैं तो फिर इसका माइलेज आपको 25 का रहने वाला है। और बाइक है ना, जब चलाइएगा अगर भीड़ भाड़ में भी चलाते हैं जैसे सिटी वगैरह में, वहाँ पे आपको उतना हीटिंग इश्यू नहीं होगा पैर वगैरह रखने में। ये हम आपको दिखा दें, ये पैर दिखा दो, तो पैर यहाँ जो है ना भैया, तो आपका लेग नहीं करेगा, सॉरी हीट नहीं होने वाला है इस बाइक के साथ, ऐसा है। यही था इसका, हीटिंग भी इसमें नहीं मिलेगा। स्पीड खींचते हैं कि क्या आपको देखने को मिलता है, तो स्पीड देख लें, दो में अस्सी, तीन में डाल लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, तीन में तो आप देख लिए, चार में देख लीजिए, तो भाई साहब सिर्फ बाइक में आग लग जा रहा है, थ्रॉटल दो
फिर आग लग जा रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि आग लग गया। तीन के गया डाले, फिर भाई ये बाइक उड़ रही है, लग रहा उड़ा देगा हमको। 104 चला गया, फिर मैं टोटल छोड़ा कि भाई 104 गया फिर रहने देते हैं, क्योंकि अभी देख रहे हो भाई पूरा यहाँ पे आपको पूरा जाम मिल रहा है हर जगह, तो ज़्यादा एक्सलेटर लेना सही नहीं है। और चार के गियर में डाले हैं, फिर नॉर्मल किए हुए हैं गाड़ी, क्योंकि अब 104 चला रहे हो और फिर एक्सलेटर छोड़ते हो तो फिर तो झटका लग जाए। तो आप बताइए मेरा टेस्ट राइड ड्राइव कैसा लगा, और टेस्ट राइड की आपके लिए अच्छा सा हर जगह किए, सस्पेंशन का वर्क किराया करके दिखाए, ब्रेक का, सीट का, फ्यूल टैंक का, इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाए, ब्रेक सस्पेंशन सब कुछ दिखा दिए। तो आपका ये राइड कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहे मस्त रहे और देखते रहे हमारे चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय।